हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का डेल्टा बैच मींस डेल्टा जेई बैच में। तो आज हम फिर से एक न्यूमेरिकल देखेंगे जो हम लोगों का AFMC 1995 में आया था। तो न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन है वो तो आप लोगों ने थंबनेल्स पे देख लिया होगा। तो यहाँ पर मैं न्यूमेरिकल उठा के रखा हूँ, तो यहाँ से भी आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो और इसको हम लोग अभी सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इज कॉल्ड नेटवर्किंग न्यूमेरिकल। ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल को बोलते हैं नेटवर्क न्यूमेरिकल, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा रेसिस्टेंस का एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिया हुआ होता है, इसको हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो बहुत सारा रेसिस्टेंस का एक सर्किट यहाँ पर दिया हुआ है, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोगों को निकालना है। तो क्वेश्चन पे क्या कहा है, 6 रेसिस्टर्स ऑफ 3 ओम आर कनेक्टेड अक्रॉस अलोंग द साइड्स ऑफ ए हेक्सागन। ये एक हेक्सागन है और यहाँ पर जितना भी रेसिस्टेंस है साइड्स सबका है 3 ओम करके, मतलब ये भी 3 ओम, 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 ये भी 3 ओम। देन क्या पूछा है, 3 रेसिस्टर्स ऑफ 6 ओम ईच आर कनेक्टेड अलोंग एसी एडी एंड एई। एसी पे है 6 ओम, एडी पे है 6 ओम, एई पे है 6 ओम, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, यहाँ पर ए कहाँ पर है, ये बी कहाँ पर है, ये दोनों पॉइंट पे हम लोगों को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए सिर्फ दो फॉर्मूला हम लोगों को चाहिए, एक होता है सीरीज का, दूसरा होता है पैरेलल का। सीरीज का फॉर्मूला मींस अगर R1 एंड R2 दो रेसिस्टेंस सीरीज पे होता है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2, एंड जब ये दोनों रेसिस्टेंस पैरेलल पे होता है तब होता है RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये दोनों सिंपल फॉर्मूला से हम बड़े से बड़ा नेटवर्क टाइप का न्यूमेरिकल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा लॉजिक है, सिंप्लीफाई करने का पर्टिकुलर रास्ता होता है जिसको हम लोग फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। इन दोनों पॉइंट पे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, तो इन दोनों पॉइंट को हम लोग आइडेंटिफाई करके फिक्स्ड करना है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट के साथ हम लोगों को छेड़खानी नहीं करना है। तो हम लोग फिलहाल लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड्स का जो दो है वो सीरीज पे आ जाएगा। तो आप लोग बोलेंगे कि राइट साइड से शुरू करने से क्या प्रॉब्लम है, राइट साइड से शुरू करने से इन दोनों को तो हम लोग छेड़खानी नहीं कर सकते, तो रह गया जाएगा क्या, ये पॉइंट में से ये इन तीनों में से करंट जो है वो सेम करंट नहीं पास हो रहा है, क्योंकि पॉइंट एक पॉइंट से थ्री मतलब एक पॉइंट से करंट जाने का रूट 3 है, तो सेम करंट तो नहीं जाएगा और ऊपर से तीनों का रेसिस्टेंस अलग अलग है। अच्छा, तीनों पैरेलल पे भी नहीं है, क्योंकि पैरेलल पे होने के लिए जो इम्पोर्टेंट कंडीशन होता है कि 2, 3, 4, 5 या एन नंबर ऑफ रेसिस्टर्स जब पैरेलल पे होता है तब इन लोगों का दो कॉमन पॉइंट होना ज़रूरी है। यहाँ पर एक तो कॉमन पॉइंट है जिसपे तीनों कनेक्ट हुआ है, दूसरा कॉमन पॉइंट ढूंढना नामुमकिन है कि दोनों सेम पॉइंट पे कनेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करते हैं तो यहाँ से अगर हम लोग करंट को भेजते हैं तो सेम करंट यहाँ से भी फ्लो करेगा, ठीक है। देखो 3 ओम्स में से सेम करंट फ्लो करेगा, इसका मतलब ये दोनों आ गया सीरीज पे। जब सीरीज पे होता है तब सेम करंट फ्लो करता है, ठीक है। दो या तीन रेसिस्टेंस सीरीज पे होने से सेम करंट फ्लो करता है, और पैरेलल पे 2 पॉइंट होता है कॉमन, ठीक है। यह है कंडीशन ऑफ पैरेलल और ऊपर का जो है कंडीशंस ऑफ सीरीज। तो ये दोनों आ गया सीरीज पे। अभी
इन दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोगों को निकल के लिखना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बाकी सब जैसे हैं ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक है, यहाँ पर और एक है, और इन दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ गया हम लोगों का कितना आ जाएगा, 3 + 3 = 6। यहाँ पर है 6, ये 3 3 3, ये भी है 6 6, ठीक है। अभी देखो ये दोनों का कॉमन पॉइंट मिल गया है, मतलब ये दोनों 6 6 आ जाएगा पैरेलल पे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों 6 दो कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड है, ये दोनों आ जाएगा पैरेलल पे। तो पैरेलल पे करने से 1/r = 1/6 + 1/6, मतलब 2/6 1/3, मतलब r = 3। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ जाएगा कितना, 3, और ये कनेक्टेड होगा ये दोनों पॉइंट में, बाकी सब जैसे है ऐसे ही रहेगा। तो ये भी ऐसे ही रहेगा, ये भी 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 रहेगा, और इन दोनों पॉइंट में आ जाएगा हम लोग का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, मतलब 3। बाकी सब तो 3 3 3 3 6 6। अब देखो ये दोनों आ गए फिर से सीरीज पे, दोनों में से सेम करंट जाएगा, तो इन दोनों का फिर से आ जाएगा क्या, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 3 + 3 = 6, ठीक है। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ जाएगा 6, बाकी सबको जैसे है वैसे रहने देते हैं, और कनेक्टेड होगा ये दो पॉइंट में, मतलब ये दो पॉइंट पे क्या कनेक्ट होगा, 6। तो यहाँ से 6 करके हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, तो ये आ गया 6 6 6 3 3 3। अभी फिर से ये दोनों आ जाएगा पैरेलल पे, पैरेलल पे होने से क्या आएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ जाएगा हम लोगों का 3, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ जाएगा हम लोगों का पैरेलल पे होने से 6 6, पैरेलल पे होने से 3 3 3 3 6। अभी ये दोनों फिर से सीरीज पे, मतलब इन दोनों को प्लस करना है, तो प्लस करने के बाद क्या आएगा, 3 + 3 = 6। सर्किट तो धीरे धीरे छोटा हो रहा है, तो ये दोनों कनेक्ट होगा ये दो पॉइंट पे, मतलब 6 6 3 3, ठीक है। फिर से देखो ये दोनों आ जाएगा हम लोगों का पैरेलल पे, पैरेलल पे आने से दोनों का क्या होगा, 3। बाकी दो रेसिस्टेंस को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये दोनों कनेक्टेड होगा 6 and 6 3 3 और 3। अभी फिर से ये दोनों आ जाएगा भाई सीरीज पे, सीरीज पे होने से 3 + 3 हो जाएगा 6। अभी ऊपर का 2 6 और नीचे का 3, अभी ये दोनों आ जाएगा पैरेलल पे, क्योंकि इन दोनों का कॉमन पॉइंट ये है। तो पैरेलल पे करने से क्या आएगा, और दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 1 आ जाएगा, तो पैरेलल पे निकाल लेते हैं 1/r = 1/6 + 1/3 = 6, 1 + 2 मतलब 3/6 = 2, तो r = 2 हम, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ जाएगा 2 ओम। देखो जल्दी से, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कोई परेशानी की कोई बात ही नहीं है। क्या करना है हम लोगों को, पहले ए और ए सीरीज पे करके हम लोगों को क्या मिला, ये 6, और ये 6 और ये 6 पैरेलल करके हम लोगों को मिला 3, देन ये 3 ये 3 सीरीज पे करके हम लोगों को मिला 6, फिर से ये 6 और ये 6 मतलब ये 6 करके मिला 3, अभी ये 3 और ये 3 करके सीरीज करके मिला 6, फिर ए सिक्स पैरेलल करके मिला 3, अभी ये 3 सीरीज करके मिला 6, अभी 6 and 3 पैरेलल करके मिला हम लोगों को 2 ओम, मतलब इसके बाद ये सर्किट, इसके बाद ये देन ये देन ये देन ये, देन ये।
तो हम लोगों का आंसर क्या आया है, 2। ठीक है, ये है हम लोगों का मेन आंसर। तो आंसर क्या आया है, 2 ऊहम। समझ में आई बात? ये पूछा था हम लोगों का AFMC 1995 में, जो है आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, मतलब आर्मी का मेडिकल कॉलेज। बहुत ही टफ क्वेश्चन होता है और इस पर मिलना भी बहुत ही टफ है, क्योंकि सीट होता है लिमिटेड सीट। ठीक है, तो देखो ये अगर कोई समझने में तकलीफ़ होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलना, और अगर ये न्यूमेरिकल अच्छा लगा हो तो इसको एक लाइक और शेयर कर देना, तो खुशी मिल जाएगी मुझे। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे इसी टाइम पे कुछ और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल लेके। तब तक के लिए टाटा।